नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। यतीन वर्मा हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। जी हां, हम आपको बता दें कि यतीन वर्मा हत्याकांड में आज फिर दो आरोपियों को देहरादून पुलिस ने धर दबोचा। यतीन वर्मा हत्याकांड में देहरादून पुलिस ने आज होटल के गार्ड अकील अहमद, जो कि रायबरेली का रहने वाला है, उसे आज पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं एक और ड्रग्स बेचने वाले को भी पुलिस व ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हम आपको बता दें कि यतीन वर्मा ने ड्रग्स से परेशान होकर अपने आप को गोली मारी थी, जिसकी लाश को होटल कर्मचारियों द्वारा होटल के बाहर फेंका गया था, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आज होटल के गार्ड को भी गिरफ्तार किया है। अकील अहमद। पपिताजी का नाम? नन्हे। कहाँ के रहने वाले हो? हरिहरपुर। तुम ये भाग के कहाँ गए थे? भाग के नहीं गए थे, घर जी चले गए थे। घर कहाँ? हरिहरपुर। हरिहरपुर जी। तो कमरा तुम्ही ने दिलाया था ना उसको? जी नहीं। क्यों क्यों? हमारे पास आया था ना, तुमसे मिला था वो? जी राजकुमार जी वहाँ साइड में था, तो मुझसे बोला जाओ इनको कमरा दिखा दो। हाँ, तो तुमने कमरा दिखाया जी।